मारी समझ में तो एक बात नहीं आ रही, तू सारा दिन क्यों मुंह फुलाओ बैठी रहे? मुंह फूलना देख रहा था मैं, अभी तक एक कप चाय नहीं मिली है सवेरे से, और पता नहीं क्या करती रहा घर में बड़ी भाई। नू फूल गई हूँ, चाय तो तू भी बना सके। तू चुप बैठा रहा, हर काम मैं ही कर लूंगी, वो क्या करेगी फिर ये इस घर में? शीतल दड़ मारे जा घर में, ये जो मंजाल आवाज मारे से भी सुनाई आ जाए। जी माँ जी। हाँ, ये किसको दिखावेगी ये रोड रचा के? विधवा है तो विधवा, देख रहे हो सर? लाल बिलोज पैर के पिनविल लगा के और साई सुर में सार के अब आई है यूं। कौन से खसमों को दिखा रही है लाल लिपस्टिक लगा के? लाल बिलोज पैर के साड़ी वाड़ी में पिन लगा के कौन से यारों को जा रही है तू दिखाने? विधवा है विधवा की तरह रे, मेरी ओर को क्या देख रहा है? इसे देख ले क्या सी खड़ी है सजी भाई। देख ली जोन सा भाषण ते इसे दिया, जो वो भाषण मैं तजे दे दूं, अपने आप को नहीं देख रही काली साइडी बंदी बैठी तू न रहता जी उठ। इरे नाश गए, तेरे नाम की लगा रही लाली लिपस्टिक, तेरे नाम की बांध रखी काली साड़ी, जब तू मर जाएगा जब ना पहनने की हो, यू किसके नाम की लगाए खड़ी है विधवा? हाँ ये तो मेरे छोरे को देख रहे कटोर कटोर क्या कम्मा खाता सैनी, एक को तो मेरे को खाएगी और मेरे दूसरे पर भी डोरे डाल रही है तू। लिहाज कर ले कुछ नु देख ले, तू कह के रही तो चुप बैठा रह, चल जल्दी चाय वाय बना और रोटी बना और हटा दे लिपस्टिक, देखना लू तेरे होठों पे, बता रही हूँ बात। साई सुर में सार क्या ऐसी हो रही है? अरे तू यक्कुआ पूरा बैठ जाए, यक्कु बैठ के 10-5 गाली सुनो जाए, इसके बाद कुछ नहीं। गाली क्यों देगी माँ? पिताजी तुम कैसी बात कर रहे हो, पता माँ की बात है? तू तो ना देख रहा था इसकी ओर को, यूं तुझे ही देखती रहे निहार निहार के। अरे माँ तू पागल मत हो जाइए, भाभी है वह। अरे तो मुझे भी पता भाभी है, तेर पर डोरे डाल रही है वो, तू संभल के रही है। अरे माँ मैं ना मानता हूँ ऐसे डोरे पोरे न, तू खामी खा का तो दिमाग लगावे मत ना, मेरे साथ ही दिमाग लगा रही है तू, बता। चल ठीक है, काम पर चला जा। काम पर चला जाऊंगा? देख ले से न रोट पाथे न पाथे, इसका ना एक काम भी होता, सिंगार में लगी रहे विधवा होके भी, पता ना किसे दिखावे है सिंगार करके, जन्म दुखी कर दिया। पिताजी तुमने खाली रोटी या खान दे रही रोटी? चाय बनाई नहीं इसके बस की नहीं, कह चाय भी ना मर्गी की गई, चाय दे दो तो से जितनी चाहती है। खा ले तो तू भी खा ले। अरे तम्मा एक आधे काम का तू भी हाथ लगा दकर। अरे उत्ते हो, मैं काम करूंगी तो इसका क्या चार डाल लूंगी, ना ही मेरे खरक भरेगी छोरे जन जन के, मेरे छोरे कोई खागी तो इससे काम भी ना करवाऊं के, नू बता दे मुझे। ये फालतू की बात करवा लो बस, कुत्ता ये भी से धक्के देगा बाहर कर देंगे, नू और बता दे बस। तू काट डन दे रहा है सबार, तू नहीं काट डन दे तो तू रहेगा जिंदा, तू नहीं काट डन दे सबार, चौखा इसका बाप आया था मैं जब ताड़ रही थी इसे, तन्ने ने ताड़म दी। पिताजी इसका तो मत्था खराब हो लिया माँ का, तुम काम देखो मैं भी काम पे को चलू अपनी। जाओ तो क्यों बैठे हो फिर, जाओ रोटी खवा देगी तमा, खा लो। अरे ना देगी रोटी जान दे परे को, लेकिन तू कलेश तो ना करे करे, कर बैठ जा सुबह सुबह कलेश करने, अपना भी मूड खराब करे, महारा भी करे, पिताजी का भी करे। तो मैं पागल दिख रही हूँ थारे कर रही हूँ मूड खराब, जा खड़ा हो जा मेरे दौर से। तू अपनी धुन में रह, मैं तो चला। अकल है धनी तेरे में, अकल है मेरे में बहुत, मेरे घर का हो लिया ना। दर्शन मुझे जितने भी दिन जीना है ना इसी घर में जीना है बस। भाभी पहले तो तू हाथ ही नीचे कर, और तू कैसी बात कर रही है, दुखी ना हो गए? दुखी दुखी तो मैं इतनी हूँ कि अपने दर्द की किसी से कह भी नहीं सकती, आत्महत्या भी तो नहीं कर सकती, इससे सही है तुम मुझे जहर ला के दे दो, खा के मर तो जाऊंगी कम से कम ऐसी जिंदगी से। भाभी तू माँ की बात का बुरा मत माने कर, वो पिताजी के जुम्मे हुई रहे सावत दिन ला ला पता ना के कही रहा। भाभी एक बात और बता, रोटी खा ली तने? अरे मरेगी के भाभी तू भी, रोटी जो खावे, और माँ की तुझे पता है कैसी आदत है, खाऊ ही खा के अपना मूड खराब करे रखा है,
अपने खा पी मस्त रहे और माँ की बात का कतई बुरा मत माने करे। देवर जी, इस कलेश में कैसे रोटी खाऊं, भूख प्यास सब बुढ़ी हुई है। भाभी जा तू रोटी खा ले, मैं बात कर लूंगा माँ से एक बार। ठीक है मैं जा रही हूँ। जाओ। हे भगवान, तने अच्छा ना करा भैया को उठा के, भाभी को इतने दुख देखने पड़ रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। ले खा रोटी। क्या करमन ना रो रही है, रोटी सटक ले। तू का सोच रही है सब्जी से दूंगी तुझे खाने की नहीं, वैसी भतेरी चर्बी चढ़ रही है। प्याज रोटी खा खा के सब्जी दूंगी तो तू फूली बिना संभालेगी है, थम में से ना थमने की, सटक ले। प्यास खा ले तू रोटी। नहीं देवर जी, मैं तो सब चीज से खाती हूँ, आज मेरा मन हो रहा था प्यास से खाने का। नहीं माँ जी, तो रोज मुझे सब्जी से ही देती है, आज मेरा मन हो रहा था मैं प्याज से खाऊं। सूखी रोटी और प्याज है। भाभी सही बता दे किन्ने दिए ये? आज मेरा मन हो रहा था मैं तो रोज सब्जी से खाती हूँ। और रो क्यों रही थी? क्या बात होगी भाभी, बता तो दे एक बार। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मेरे दौरान आई है फिर, अगर जो ना बता रही है तो क्यों बात होगी? देखना मेरे को कैसे कैसे खाना देती है लाला के। माना दी होगी ना? खाऊं मैं इसको? आज बता दूंगा माँ को। भाभी ले तो चीकू खा। आप ही क्यों लिया देवर जी, माँ जी देखेंगे वो फिर लड़ेंगे। अरे दिमाग खराब तो ना होगा इस घर में सबका, माँ जी रहे सावत दिन। प्यार से लाया हूँ खा लो। बहुत सुनाएंगे वो, पिताजी को भी बहुत सुनाती है। मैं बैठा हूँ, तुम खाओ तो सही, खाओ। एक चीकू मेरा सामने खा के दिखाओ जल्दी से। ठीक है भाभी तू खा चीकू, मैं देखू कहाँ मिल रहा था थोड़ा सा है। जी मैं सारा सारा दिन रोती रहती हूँ घर में, माँ जी मुझे इतना उल्टा सीधा सुनाती है, मेरे दर्द की मैं ही तो जानती हूँ। सुबह से शाम तक सुनाती है पिताजी, या तो मैं आग लगा के मर जाऊंगी या फांसी लगा के मर जाऊंगी। पिताजी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे मेरे घर छोड़ आओ, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। शीतल बेटा रोवे मत, मुझे पता तेरे दर्द का, उसमें कल का बीज नहीं है बता के करा, और यूं ही काम मत कर दिए मरने का। इससे बड़ा पाप धरती पर कुछ नहीं है, दुख सुख जीवन में आया करें उन तक पार पाना मानस का फर्ज है। बेटा शीतल रो मत,
आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। दुख सुख कुछ झेल लग रहा है जीवन में, यू ही तो करना है और करना ही क्या। क्या बतला रहा तू इससे? कुछ नहीं बतला रहा, कुछ नहीं बतला रहा। इससे तू भी बतला रहा कदी, तू भी देख बतला है। तेरा शर्म लिहाज है कि ना है? क्या बतला रहा तू इससे चोरी चोरी चुपके चुपके? अरे करम जली मेरे आदमी से बतला रही, चल निकल इनके को, इनके को निकल। तुझे खत्म कर दूंगी जब मैंने इससे बोलता देख लिया तू, यू बता रही बात। क्या बतला रहा तू चुपके अकेले में इससे, जो कहना ना मेरे सामने कह। अरे नाश गए मैं जिंदी बैठी मरी ना हूं। तू जिंदे छोड़ दे ना एक को भी घर में, मजा आ रहा तेरी समझ में नहीं कोई बात आ रही, एक भी बात नहीं आ रही दिमाग में। फिर तू कौन सी बात बतला रहा सा अकेले में, मुझे बता उस बात को कौन सी बतला रहा तू। मैं नु कह रही बता दे मुझे, यहां बैठ के क्या बतला रहा था तू? मैं कुछ नहीं बता रहा, तू जा अंदर कर। कुछ ना बतला रहा? हां मेरी दही में आग लग रही है, मैं नु कह रही हूं बता दे मुझे क्या कह रहा था तू। गौ का हाथ पकड़ खड़ा, तेरे टेंटिया दे दूंगी, यूं बता रही हूं, बता जल्दी क्या कह रहा था उससे। अरे मैं समझा रहा था उसे। क्या समझा रहा था तू? तेरा बेमतलब का बहन, तू देख एक बार समझा के। मखलर और खलर घेर के देवानंद बन रहा कोट वोट पैर के, शर्म नहीं आ रही उसका हाथ पकड़ के तू अकेले और बतला रहा। अरे बालक है वा मेरी बालक, बालक है वो तेरी। अब मुझे पक्की पता चल गया वो किस लिए लिपस्टिक बिंदी लगा रही है, क्यों साड़ी वाड़ी बांध कर रहती है वो तेरे मारे रहती है, मुझे पक्की पता पड़ गई। अब जान गई मैं, हमें तो कहीं पावे नहीं हम, बस भाग ले। कुछ जवाब ना रहा ना बोलने के लिए, अब भाग लिया। रंगे हाथ पकड़ लेना आज मन्ना, हाथ में हाथ पकड़ो खड़ा है। बताओ जी तुझे मैं पकड़ूंगी हाथ में हाथ, तन्ना कर दे जन्म दुखी। पहले तो इसे बताऊं। अरे मैं तो सवेरे ठीक थी, अब पता नहीं बुखार में कैसा आग लग गई। माँ जी हाँ। ज्यादा तबीयत खराब हो रही है आपकी। हाँ। आप चलो मैं आपको दवाई दिला के लाती हूँ। अरे चलो आप, पता ना तेरा बाप जन कंगक चला गया। पैरों में ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरी दही टूट रही है, बुखार ने ऐसी तैसी मार ली मेरी। ये डबे क्यों कांप रही? बुखार चढ़ रहा जाड़े से। कुछ नहीं चढ़ रहा तेरे खप्पर हैं सब तेरे। तेरे तुझे कहाँ से खप्पर दिख रहे हैं? मेरी हो रही है तबीयत खराब, बकवाद कर रहा बे मतलब। बस बता रही करम आ रही तेरे आगे, ले दिखा। बुखार हो रहा है। मजे मत ले मेरी गैल, मैं कह रही हूँ बुखार चढ़ रहा है दवाई दिवा ला। दवाई दिवा दे। वह बहू कह रही थी। बहू तो कह रही चढ़ी गई थी दवाई दिवाला, पहले जब करिए बाद की बात। चलो पिताजी जल्दी करो, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। चल ठीक है बेटा, चल रे, चलो खड़ी जा। जुत्ते पहन लेना, मुझे ठंड लग रही है। चलो ये बह आराम कुछ आराम है बुखार ना। मैं नु कह रही हूँ इस बहू के बाप के द्वारा फोन कर लो। अच्छा इस बहू को इस छोरे के बैठा लो। तू कह रही? हाँ मैं कह रही हूँ। निभा लेगी? निभा लेंगे सब, कहाँ जाओगी और ये बेचारी। मैं तो पहले ही कहूँ था, तू ही ना सुन रही थी कि बागी ना कल, बहू इतनी बढ़िया है हो नहीं सकती। कर दूंगा मैं तो फोन, नहीं भी कर दूंगा। कर लो तुम फोन। जो तू यह बात पहले बता देती या इतनी दुखी रही इतने दिन, ये दुख तो ना से देखना पड़ेगा। चौधरी साहब का फोन है। हाँ जी। राम राम जी। सुरेंद्र जी और ठीक हो? बहुत बढ़िया, सब आशीर्वाद है। ओके चलो मगर एक बार चक्कर से लगा देते, जी सा कर रहा था मिलन को। हाँ जी जरूर, आज ही लो। ठीक है आ जाओ सांझ को, आ जाओ। हाँ सांझ को ही लो आज। ठीक है घर ही मिलूंगा, आ जाओ। राम राम जी। ठीक है जी, राम राम जी। न कर दिया सांझ को ही आवागा। आराम से बेटा, मेरा सारा सिर दुख रहा। माँ जी खुजली भी हो रही है सर में।
हाँ कर दे तू तेल कैसी मालिश सी। अब आराम लग रहा है माँ जी? हाँ। चाय बना लूँ मैं आपके लिए? हाँ बना लिए। जी तेरा बनी रहा, भगवान तेरी लंबी उम्र करे। कंघा समार दे बेटी मेरे बालों में को, अला जा ये काट। कई दिन समाजी आपने सर में देखा कंघा भी नहीं करा। अरे बुखार ने जो ना, बस बुखार ने मुझे। माँ जी मुझसे जो भी गलती होगी हो उसे माफ कर दिया, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। कोई बात ना बेटी, तेरी गलती ना आई, मैं ही गलत हूँ। मैं ही तुझे बुरा भला बोलती रही, मैं ही तुझे समझ ना पाई शीतल। कोई बात नहीं है माँ जी, आप रबड़ दे दो, मैं आपके बना के मैं चाय बना लाती हूँ। ठीक है, ला मैं गेल लगा बना ला चाय। चाय ठीक। अंदर कौन जाओ, आओ बैठो। राम राम। राम राम जी। सुरेंद्र जी बैठो, ठीक ठाक? बरकत सी मैन की दिल गया। अच्छा हाँ, दवाई दवाई थी। अब तो ठीक है? जाड़ा घना हो रहा, थोड़ा बच के रहो। बेटी चाय तेरे पिताजी भी आ रहे, और ले आते चाय। बेटा कैसी है बेटी? बेटा रो बना, क्या बात है बता तू? रो न बेटा। पिताजी घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है बेटा, तू रो ना। शीतल अरे तन्ने तो अपने पिताजी भी रुवा दिए, जा और दो कप चाय और ली, अपने पापा की नहीं होगी और अपने पिताजी की नहीं होगी। जा बेटा जा। बैठ जाओ जी। सुरेंद्र जी दुखी मत हो, देखो मारे पे भी बहुत जोर पड़े है, करे के दुख की तो बात ही है चौधरी साहब, जिसकी जवान रोन जा विधवा हो जा, सारा तो बहुत बड़ा एहसान है मेरे पे। मैं ये सोच रही हूँ शीतल का दर्शन कर पाया गया। चौधरन तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, और देखा मेरे पर तो सात जन्म तक भी एहसान नहीं उतरा तारा, जुग जुग जियो तुम। पर मुझे बड़ी खुशी हुई चौधरन। सुरेंद्र जी हाथ मत जोड़ो, हाथ तो हमें जोड़ने चाहते, जो बात तू आज कह रही है तो बहुत पहले हुई थी। चौधरी साहब शीतल मेरी बेटी ना थारी बेटी है, और जो आप फैसला लोगे वो बहुत ही बढ़िया, और मुझे बड़ी खुशी हुई। नहीं पिताजी मैं नहीं करूँगी, मेरी जिंदगी में सुख होता ना तो पहले मेरी दुनिया ना उजड़ जाती। बेटी तू यूं क्या कह रही है? अरे तुझे पता नहीं कल को उसका ब्याह हो जाओगा, उसका बहू आ जाएगी, वो तेरे पे इल्जाम लगाओगी तो कहाँ जाओगी फिर बता? अगर तेरे एक भी बालक होता तो उसके सारे जिंदगी काट लेती, अब किस पे जिंदगी काटेगी? हम बुढ़े बुढ़िया तमाम जिंदगी तक थोड़ी बैठे रहेंगे तेरा साथ देने के लिए, है बता तू कैसे काटेगी जिंदगी? बहुत लंबी उम्र है ये, नू नहीं कटती है। बेटा शीतल ये जिंदगी है ना, ये बहुत कठिन प्रश्नावली हो, इसमें कभी कभी बहुत कठिन सवाल पूछ ले या, और उसका हल ना करना कोई समझदारी नहीं होती। जो कर्म कर रहे उस बात को मान। पिताजी
यू का कह रहे हो तुम? हम ठीक कह रहे, जो करम कह रहे मान ले फायदा रहेगा। अरे मात तू बस। अरे मैं ठीक कह रही हूँ भैया, कहाँ जाओगी, जवान है पता, तू कहाँ जाओगी? अरे कहीं और आवेगी की तरह रहेगी। घर की इज्जत है या नहीं, नहीं खो सकते घर की इज्जत, घर में रह जाएगी, इससे बढ़िया बात ना है। समझ लो ये तेरा फर्ज भी है। तुम देखो फिर पाया ठीक है बेटा शीतल, बस ठीक है जी। चल जी साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई जी, हम आपसे आपने जो निर्णय लिया वास्तव में वो बिल्कुल सही है, बस भगवान के दुख मिलजुल के ही बैठते ना, नहीं तो दुख तो जीना भारी कर देगा। हंसी खुशी है बिल्कुल मकबूल है, तेरे रोने के दिन गए ठीक ठाक रहे, बढ़िया जी। ठीक है बेटा जी, पिताजी हाँ भाई ठीक है पिताजी, जैसे तुमने कर दी बस। तो साहब आपका निर्णय मुझे बहुत अच्छा लगा, चौधरी ने जो बात रखी बहुत बढ़िया लगी, और मैं हमेशा आपका आभारी। अजी नहीं कैसी बात कर रहे हो भाई, ईश्वर ने दुख दिया तो हम उसे सुख में भी बदल सके, ऐसी कोई बात नहीं है। पर वो मिल जी, आप हमारे तो समझ में आ गई बात, पब्लिक की भी तो समझ में आनी चाह भाई। दोस्तों नमस्कार, अगर ऐसी घटना हो जाए तो उस दर्द को मिलजुल कर बांटा जा सकता है, और वो जिंदगी कुछ नहीं है जो हम एक दूसरे का दर्द ना बांट सके। बड़ी से बड़ी से समस्या का हल आपसी सूझबूझ और सद्भाव से हल किया जा सकता है। दोस्तों मेरा यह कहना है, जैसे सास ससुर हैं ऐसे सास ससुर अगर हों तो ऐसी बिटिया को, हमारी बिटिया को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वास्तव में मैं दिल से कह रहा हूँ। थैंक यू भाई, जो मैंने करा उसकी मैं गलती मान रही हूँ, ऐसी कोई भी सास अपनी बहू की गैल मत करियो, ये बहुत बुरी बात है, अपने हाथ में नहीं है बात, जो भगवान ने लिख दिया नसीब में वो हर हालत में हमें देखना है, पर कोई भी इतने बुरे बुरे बोल मत बोलियो जो मैंने इसमें बोल ले। गलती मान रही भाई, क्षमा मांग रही, नमस्ते। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो है कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें, जो भी हमारी कमियां हैं उसे कमेंट करके जरूर जरूर बताएं। थैंक यू।